रीवा जिले में कोरेक्स का नशा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां पूरे जिले में अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए नाममात्र की कार्यवाही कर वाहवाही लूटने का कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हनुमना पुलिस के हाथ 40 शीशी नशीली कफ सिरफ के साथ एक आरोपी भी पकड़ा गया है। बता दें कि हनुमना थाना अंतर्गत मसूरिया वार्ड क्रमांक 7 में चाय की दुकान में अवैध नशीली कफ सिरफ का व्यापार किया जाता था। पुलिस ने दबिश दी और मौके से 40 शीशी नशीली कफ सिरफ के साथ एक आरोपी को पकड़ लिया है, जिसके खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही जारी है। पुलिस ने यह भी बताया है कि आरोपी से पूछताछ कर इस पूरे गिरोह को पकड़ने का कार्य किया जाएगा। ग्राम भ्रमण दौरान कंट्रोल की सूचना मिली थी, तब एक व्यक्ति रामदरस पटेल, उन्होंने ऑफिस के सामने उसकी चाय की दुकान है, उसकी दुकान के तलाशी पर करीब 40 सीसी जो 100 ml वाली होती है आदर्श कप, वो उसके कब्जे से अवैध रूप से कार्रवाई की, बेच रहा है वो। अब ये जांच का विषय है, NDPS।